ये मैं अभी भिंडी की जो दही और ग्रेवी वाली सब्जी बनाने जाऊंगी जा रही हूँ। इसके लिए मैंने फ्रेश भिंडी ली है और ये भिंडी को इस तरह से मैंने स्लिट करके टुकड़ों में काट लिया है। और तड़के के लिए मैंने लिया है कटी हुई प्याज, थोड़े से साबुत लहसुन और लहसुन अदरक की पेस्ट, हरी मिर्च, फ्रेश धनिया है। तड़के के लिए है राई मेथी जीरा, और उसके पहले डालूंगी थोड़ी सी हींग और हल्दी, और ये है मिर्ची, धनिया पाउडर, धनिया जीरा मिक्स पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है, बेसन है और ये दही है। तो ये मैं आज बनाऊंगी भिंडी की दही भिंडी की ग्रेवी वाली सब्जी, और अभी इसका तड़का लगा रही हूँ। ये ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है और उसके अंदर ये भिंडी को थोड़ी फ्राई होने देती हूँ। फ्राई होने के बाद निकाल देती हूँ। ये भिंडी ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब ये मेरी दही भिंडी की सब्जी बनने जा रही है, तो मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल, आप जो भी ऑयल खाते हैं वो। इसमें ये तड़का जा रहा है राई मेथी जीरा तेज पत्ता साबुत लाल मिर्च, और ये अब क्रैकल हो रहा है। क्रैकल होते ही इसमें अब मैं सबसे पहले प्याज डालूंगी। प्याज और साबुत लहसुन जो लिया हुआ था उसको डाल के इसको थोड़ी देर सौते करेंगे। ये मेरा प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसके अंदर मैं पहले सबसे पहले ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, और उसके बाद इसमें ये मैंने साबुत हरी मिर्च ले रखी है, इसको साबुत इसलिए डाल रही हूँ ताकि खाने में आप खाते टाइम निकाल सकें, नहीं तो मुँह में आता है बहुत तीखा लगता है। तो ये मेरा ये गया लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे से मैंने सौते कर लिया है, सौते होने दे रही हूँ। और अब ये सौते ये अब हो गया सौते, अब इसके बाद इसमें मैं ये बेसन डाल रही हूँ, तो ये इसको डाल के इसको भी थोड़ा आधा एक मिनट के लिए भून लेते हैं। तो ये जब अभी थोड़ा भून के हल्का सा खुशबू आने लगे और हल्का सा ब्राउन हो, ज़्यादा इसको नहीं कुक करना है, तो ये अपने डाल देंगे। और अब ये मेरा हो गया है बेसन, अब इसके बाद मैं इसमें हल्दी, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और हींग, इतनी चीज़ें हैं ये मैं डाल के ये मसाले को भी मैं इसमें थोड़ा पका लेती हूँ 10-12 सेकेंड के लिए, ज़्यादा नहीं तो ये जलने लगेगा। अब ये मेरा मसाला भी भून के तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने जो दही लिया था ये दही, उसको मैंने फेंट के तैयार कर लिया है। दही को आप जब भी ले तो उसको फेंट के तैयार करें, दही जब डालें तो गैस की फ्लेम एकदम लो कर लें ताकि दही फटे नहीं, और उसको डालते ही लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे या नहीं। तो अभी ये मेरा दही कुक हो रहा है, अभी इसको थोड़ी देर कुक होने देंगे। अभी मेरा सारा मिक्सर बनके तैयार हो गया है, देखें कढ़ाई छोड़ने लगा है, ऑयल भी रिलीज होने लगा है। तो उसके बाद ये जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी उसको डाल देंगे इसमें। ये गई मेरी भिंडी, और इसको भी एक बार अच्छे से चला लेते हैं, और एक दो मिनट इसको मसाले में भूनने के बाद इसमें अब आप थोड़ा सा आपको जितने भी थिकनेस रखनी हो उस हिसाब से पानी डाल दें। ये पानी मैंने गर्म दिया है, कभी भी सब्ज़ी में जब भी डालें तो गर्म पानी ही डालें ताकि सब्ज़ी का कलर और टेस्ट बरकरार रहे। तो ये गया मेरा पानी, तो इसको थोड़ी देर कुक होने देते हैं। ये सब्जी अब ऑलमोस्ट हो गई है, अब इसमें पहले अपने नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, और उसके बाद
ये है गरम मसाला 1/4 टीस्पून डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसको 2 मिनट और कुक करेंगे। और अब ये मेरी दही भिंडी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसको मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी पराठे किसी के भी साथ खाएं, बहुत बढ़िया लगती है। तो ये मेरी बन गई है दही भिंडी की सब्जी। आप भी बनाइए। फाइनली ये मेरी दही भिंडी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही, मैंने तो पहले भी इसको ट्राई किया है, बहुत अच्छी बनती है। और कुछ ना कुछ थोड़ा अलग ट्राई करते रहना चाहिए ताकि घर वालों को भी थोड़ा चेंज मिले। एक ही सब्जी एक ही तरीके से खा खा के बोर हो जाते हैं। तो ये मैंने फाइनली मेरी सब्जी सर्विंग के लिए तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। हैव अ नाइस डे।